कार्तिक तो जब से शादी की बातें शुरू हुई सिर्फ सोच ही रहा है। उसके बाद सोचने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। वो उसके दिमाग के अंदर व्यूज चल रहे हैं, वो बस बोल रहा है कि कैसे। मन के अंदर तो सब कुछ बोल दिया उसने, पर जुबान पे ला नहीं पा रहा है। अभी उसने कोशिश की थी लाने की, फिर अगेन अगेन वो चीज़ें पूरी इधर से उधर हो गई और बात कन्वे हो नहीं पाई। तो अब फाइनली हल्दी के लिए वो मान चुका है, क्योंकि अब उसने लास्ट जो हमारा एपिसोड हुआ है उसमें उसने कन्फ्रंट कर लिए बात, मतलब सबके सामने कि अरे ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, पूरा डिटेल में नहीं बता सकता। तो फिर अभी ही इज़ इन दैट फेज कि अच्छा अब अगर तुम भी रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। तो अब वो कर रहा है हल्दी अपनी मर्जी से, पर उसके पीछे उसके क्या अभी दिमाग में चल रहा है, बिकॉज नाउ ही स्माइलिंग इन द हल्दी, जो अभी तक नहीं कर रहा था कार्तिक, पर वो अब कर रहा है। तो ऐसा क्या है, क्यों कार्तिक अब हंस रहा है? तो ये एक नई चीज़, नया ट्विस्ट आ गया है स्टोरी में, जिसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। बेसिकली इट इज़ समथिंग कि जैसे लक्ष्मी ने, मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना काइंड ऑफ बिट्रे किया, कि जो मैंने उसके उसके लिए चिट्ठी में लिखा था उसने वो बात बोली नहीं, उसने कुछ और ही बोल दिया। तो मुझे लग रहा है कि शी इज़ वो आई गेस मेरा मेरी बातों को मैनिपुलेट करके उसने अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है। तो अब उसने ये किया तो उसकी वजह से आई एम रियली हर्ट, और अब मैं देख अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा अगर तुमने ये कर दिया है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो अब कार्तिक हल्दी कर रहा है बिल्कुल स्माइल करके, फुल वेंजेंस जो स्क्रिप्ट में लिखा था एक वर्ड वेंजेंस, वेंजेंस मोड में है बिल्कुल कार्तिक। सो अब वो बोलते ना एक हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या है, वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।